हैदराबाद के मेडिकवर हॉस्पिटल के आसाब व रीढ़ की हड्डी के सर्जन डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी ने 18 माह की नन्ही बच्ची की गर्दन के ट्यूमर की कामयाब सर्जरी करते हुए बच्ची के चलने फिरने को बहाल किया। इस नन्ही सी बच्ची को तकरीबन 8 माह से पैर में दर्द की शिकायत थी और वो चल फिर नहीं सकती थी। लड़की के वालिद रवि मेडिकवर हॉस्पिटल से रुजू हुए। हॉस्पिटल के न्यूरोस्पाइनल सर्जन डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी ने MRI इम्तिहान के जरिए पता लगाया और अपनी टीम के अलावा दीगर माहिरीन के हमराह इंतहाई नाजुक सर्जरी को बखूबी सरंजाम दिया। इस सर्जरी में जदीद न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया और स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल मेड्यूलरी जंक्शन में बीचों बीच पाई गई तकरीबन 5-6 सेंटीमीटर के ट्यूमर को निकालने में कामयाबी हासिल की। नन्ही मरीज की सेहत अब बहाल है और वो हस्ती खेलती नजर आ रही है। डॉक्टर श्रीकांत ने एडिटर HDTV मोहम्मद अमजद अली से गुफ्तगू करते हुए तफसीलात बताई। आज आपको एक संदेश भेजना चाहते हैं। हमने रिसेंटली एक 1.5 साल बच्ची का हमने गर्दन में सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड से जो ट्यूमर है वो निकाल के सक्सेसफुली जो हाथ पैर का वीकनेस है वो रिकवरी हुआ। ये इसलिए हुआ कि ताकि पेरेंट्स लोग जो है अर्ली डिटेक्ट करके माने पेशेंट को देखते हुए कुछ हाथ पैर वीकनेस हो तो तुरंत हमारे पास लेके आने के बाद टेस्ट करके हमने ट्यूमर है करके पता किया। इससे ट्यूमर्स को अर्ली डिटेक्ट करके ऑपरेशन करने पर हमें इक्विपमेंट भी चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप, न्यूरो मॉनिटरिंग सर्जरी करते वक्त और ट्यूमर निकालने के लिए ड्यूसी मशीन, इससे ट्यूमर कम्प्लीटली हम निकल पाए। अभी हाथ पैर का वीकनेस भी इम्प्रूवमेंट हुआ, बेबी अच्छा है, खेल कूद रही है। ये सब अवेयरनेस के कारण, मतलब जो भी परवरिश में पेरेंट्स हो सकते हैं या देखभाल करने वाले जो भी हैं, बच्ची का जैसे ही वीकनेस हो जाए या हाथ पैर का थोड़ा आपको डाउट लगे डॉक्टर को दिखाना है, उसका टेस्ट करवा के जो भी ऐसी चीज़ें हैं अर्ली डिटेक्ट करके ट्रीटमेंट देने पर कंप्लीट क्योर हो सके। ट्यूमर बेनाइन था या मैलिग्नेंट था? वो Grade 3 है, नाइदर कम्प्लीटली बेनाइन बोल सकते हैं मैलिग्नेंट, बीच में है, इसीलिए एक केस मायना रखता है। अगर थोड़ा लेट हुआ तो और मैलिग्नेंट बन गया होता तो फिर से आने का चांस और नुकसान ज़्यादा होने का चांस है। हमने सही टाइम पे करेक्ट टाइम पे डिटेक्ट हुआ और ट्रीटमेंट हुआ। तो ये सही और गलत टाइम का कैसे डिसाइड कर सकेंगे? तो हम तो ट्यूमर निकाल के टेस्ट को भेजते हैं, टेस्ट में रिपोर्ट आता है, 1, 2, 3, 4 ग्रेड रहते हैं। Grade 1 माने बेनाइन, Grade 4 माने कैंसर, 2, 3 बीच वाले हैं, ये 3rd grade में है, तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट करने पर वो Grade 4 होने से हम बचा लें। तो सर्जिकल प्रोसीजर के बाद और भी कुछ करना पड़ा? उसके बाद फिजियोथेरेपी रहता है। जनरली बच्चे लोगों को इम्प्रूवमेंट अच्छा आ जाता है, रिजल्ट अच्छा आ जाता है। ये पैरालिसिस भी 1 हफ्ते में ही इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी 1.5-2 महीने हुए भी कम्प्लीटली नॉर्मल होते हैं। थैंक यू। मदीना स्कूल, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी, 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड, खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा, वक्त की रफ्तार और तकाजों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100441445 या 6304148143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।